तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, कैसे हो? लगा सकते हो बहुत बढ़िया होंगे। सो वीडियो में जो टेटर सिखाएंगे, एक इंस्टाग्राम रील में ट्रेनिंग साउंड को बट टेटर शीट पर देने वाला हूँ। तब लोग मैंने टेलीग्राम चैनल पूछा था किस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाओ, तब लोग जैसे लोग बोला था इंस्टाग्राम रील के बारे में रील बनाओ, तो मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग एक रील टेटर ट्यूटोरियल लेकर आ गया। तो आप लोग इस टाइप का रील खुद के फोटो से बनाना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से देखो, और वीडियो में जो कुछ मेटेरियल्स करूँगा सभी का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप डायरी मेटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर सारे मेटेरियल का लिंक मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा ना वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो वाले को बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर देना। सो गाइस, आई एम विल टू आप लोगों के लिए विल टू एम टेक, चाहते नहीं वीडियो को शुरू करता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके ऑलराइट गाइस, आप लोग इस टाइप का ट्रेनिंग टेटर ट्रेनिंग करने के लिए सबसे पहले फोन के अंदर अमेज़न ऐप है, आप लोग उसको ओपन करनी है तो कोई बात नहीं, मैं टेलीग्राम से मैंने ज्वाइन हो जाऊँ, वहाँ पर आप लोग लेटेस्ट वर्जन एपीके के लिए अमेज़न का पिन नंबर मिल जाएगा, वो पर जाकर सबसे पहले अमेज़न को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, टेटर्स बनाने के लिए सिंपल आप लोग को और एक काम करना पड़ेगा, दोनों प्रोजेक्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा अमेज़न ऐप के अंदर। उन दोनों प्रोजेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दिया, तो आप लोग सिंपल दोनों प्रोजेक्ट को भी इंपोर्ट कर लीजिए अमेज़न ऐप के अंदर। जिन लोगों के पास प्रोजेक्ट इंपोर्ट नहीं होता अमेज़न के अंदर, उन लोगों ने मैंने एक्सएमएल फाइल बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दिया, तो आप लोग भी सिंपल एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट कर लीजिए टेटर्स बनाने के लिए अमेज़न ऐप के अंदर। ऑलरेडी मैंने दोनों प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर चुका है अमेज़न ऐप के अंदर, आप लोगों को दिखा दूंगा किस नाम से प्रोजेक्ट टाइटल मिलेगा इंपोर्ट करोगे जब। तो वैसे मैं प्रोजेक्ट पे टच करूँगा, उसके सिंपली एक प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ लोगों के सामने, तो ऊपर देख सकते हो म्यूजिक बीट मार बाय बिल टू एमटेक ऐसे करके टाइटल मिल जाएगा, जब आप लोग प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लोगे अमेज़न ऐप के अंदर। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, सिंपली यहाँ पे आप लोगों को ऑडियो मिलेगा और यहाँ पे बीट मार मिलेगा। बीट मार के हिसाब से अपना फोटो ऐड करना पड़ेगा, और आप लोगों को सिंपली फोटो ऐड करने के बाद इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो इफेक्ट कौन सा कहाँ पे लगाओगे उसका भी मैंने मार्क करके रखा हूँ, आप लोग सिंपली कर लेना। और मैं सारे फोटो लगा कर रखा हूँ, आप लोगों को दो फोटो ऐड करके दिखा दूंगा गाइस। तो सिंपली आप लोग ऐसे करके पेडमार्क के हिसाब से सारे फोटो को ऐड करना पड़ेगा, और आप लोगों को एक प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली आप लोगों को इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट मिलेगा, इस लिंक को भी क्लिक करके इंपोर्ट कर लीजिए अमेज़न के अंदर। तो इसके अंदर आप लोगों को चार नहीं तीन इफेक्ट मिलेगा फोटो के देने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लीजिए अमेज़न के अंदर फोटो का इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। तो मैंने कर लिया दोनों प्रोजेक्ट को इंपोर्ट, तो मैं फर्स्ट ओपन करूँगा म्यूजिक बीट वाला प्रोजेक्ट को गाइस, मैंने ओपन कर लिया। करने के बाद सिंपली आप लोग जो काम करना पड़ेगा, जस्ट आप लोग जहाँ पे जाओगे प्लस आइकन में टच करना, उसके बाद इमेज वीडियो, उसके बाद ऑल भी, उसके बाद वीडियो क्लिप को ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो क्लिप का लिंक और जो भी मेटेरियल यूज़ करूँगा सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। तो मैं वीडियो क्लिप को ऐड कर लिया। करने का सिंपली यहाँ पे फुल स्क्रीन रहेगा, आप लोग कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, इसका ब्लैक स्क्रीन हटा सकते हो। सिंपली ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाके सिंपली लाइटिंग पे जाके स्क्रीन पे सिलेक्ट कर सकते हो, करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे आप लोग ऐड कर दोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे करके आप लोग ऐड करना पड़ेगा, उसके थोड़ा सा इसका पार्ट को आप लोगों को कट कर देना पड़ेगा थोड़ा सा। तो लेयर के ऊपर टच करके सिंपली साइकिल पर टच करके कट कर दीजिए, मैंने कट कर दिया। उसके बाद अभी आप लोग अपना खुद का जो भी फोटो है आप लोग सिंपली ऐड करते जाइए, ठीक है। तो मैं इसका लोगो को डिलीट कर देता, मैंने कर दिया, उसके बाद में हम लोग ऐड करेंगे। तो सिंपली फोटो को ऐड करने के लिए प्लस आइकन में टच करना, इमेज वीडियो, उसके बाद ऑल भी, उसके बाद सिंपली आप लोगों का एक फोटो है, आप लोग एक एक करके सिंपली ऐसे करके ऐड कर लेना। तो मैंने सिंपली एक फोटो ऐड कर दिया, आप लोगों को दिखाने के लिए सिंपली इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे और इसको फुल स्क्रीन करेंगे। तो बीट मार जितना था उतना तक जाएंगे, जाने के सिंपल इस आइकन में टच कर कट कर देंगे। उसके थोड़ा सा इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट इधर रहेगा, तो इसको भी इस आइकन में टच कट कर सकते हैं। उसके सिंपली थ्री डॉट पर टच करके इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए, मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूंगा। थ्री डॉट पर टच करके मैंने कर दे फिल स्किन, उसके सिंपल ठीक से भी फिर से नहीं एडजस्ट हो रहा है स्किन के हिसाब से। तो मूवमेंट इसमें जाना, जाने के सिंपल इस आइकन में ऐसे करके टच कर लेना, उसके बीचों बीच आ जाएगा। और थोड़ा सा जूम करना चाहते हो तो जूम आइकन में टच करके ऐसे करके जूम भी कर सकते हो। तो ऐसे करके फोटो का आप लोग एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके दूसरा और एक फोटो आप लोग एडजस्टमेंट करके दिखा दोगे, इमेज वीडियो ऑल भी, उसके सिंपल हम लोग और एक फोटो को ऐड कर लेंगे। तो सिंपल इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया। करने के सिंपल हम लोग इसको भी इतना तक लेंगे जितना था बीट मार है, तो हमने इस आइकन में टच करके बीट मार तक चला गया। जाने के बाद स्टेप को कट करने के लिए इस आइकन में टच करके कट कर दिया, उसके थ्री रोड पे जाके इसको भी फिल स्किन कर देंगे। उसके बाद मूवमेंट पे जाके इसको भी बीचों बीच रख देंगे। ऐसे करके आप लोग सारे फोटो को एडजस्टमेंट कर लेना पड़ेगा स्किन के हिसाब से। तो आप लोगों को दो फोटो मैंने करके दिखा दिया, तो सारे फोटो को बीट मार के हिसाब से सबसे एडजस्टमेंट कर लेना सबसे पहले, ठीक है। तो
करने के बाद अभी आप लोगों को सारे फोटो के अंदर इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे मैंने मार्क करके रखा इफेक्ट वन है, तो ऐसे करके आप लोग इफेक्ट वन, इफेक्ट टू, इफेक्ट थ्री ऐसे करके आप लोगों को मिल जाएगा मार्क। ठीक है, मार्क के हिसाब से आप लोगों को फोटो के अंदर इफेक्ट दे देना पड़ेगा। तो लोग ऐसे करके देना, देने के लिए सिंपली जहाँ पे जाओगे गाइस सिंपल आप लोगों को इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को भी ओपन करना पड़ेगा। तो फिर से क्लोज करके बैक होते हैं, इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को हम लोग ओपन करेंगे, उसके सिंपल हम लोग फर्स्ट फोटो लेयर ऊपर टच करेंगे, उसके सिंपल इफेक्ट पर जाके सिंपल हम लोग इसको थ्री डॉट पे करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। मैंने एक नंबर इफेक्ट को कॉपी कर लिया, उसके सिंपल क्लोज करके बैक हो जाएंगे। फिर से हम लोग जाएंगे मेन प्रोजेक्ट पे गाइस, उसके बाद हम लोग जहाँ पे जाएंगे एक नंबर इफेक्ट देने के लिए जहाँ से फोटो स्टार्टिंग हो रहा है वहाँ पे हम लोग वहाँ पे जाएंगे। जाने के सिंपल हम लोग इसके अंदर इफेक्ट को पेस्ट करेंगे, तो फोटो लेयर पर टच करेंगे, उसके बाद सिंपली इफेक्ट थ्री डॉट पेस्ट इफेक्ट, उसके बाद फिर से फोटो लेयर इफेक्ट थ्री डॉट पेस्ट इफेक्ट, ऐसे करके आप लोगों को सारे फोटो के अंदर इफेक्ट को पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग दो तीन करके दिखा रहा हो, तो आप लोग सिंपली ऐसे करके जहाँ जहाँ पे मैंने मार्क करके रखा एक नंबर इफेक्ट देने के लिए फोटो, वहाँ पे आप लोगों को सारे फोटो के अंदर एक नंबर इफेक्ट को देना पड़ेगा। जैसे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा हो, तो आप लोग ऐसे करके एक नंबर जितना तक मार्क मैंने करके रखा उतना तक आप लोगों को देना पड़ेगा। देख सकते हो इतना तक एक नंबर है, उसके सिंपल यहाँ पे दो नंबर आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे तीन नंबर, उसके बाद यहाँ पे एक नंबर, उसके बाद लास्ट में भी एक नंबर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे भी फोटो लेयर पर टच करके इफेक्ट पे जाके थ्री डॉट पे जाके इसको पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए, उसके बाद सिंपली फोटो लेयर इफेक्ट थ्री डॉट पेस्ट इफेक्ट ऐसे करके आप लोगों को यहाँ पे भी कर लेना पड़ेगा। ठीक है, एक नंबर इफेक्ट को पेस्ट ऐसे करके आप लोग कर लेना, मैंने करके रखा हो तो आप लोग ऐसे करके कर लेना एक नंबर इफेक्ट को पेस्ट सारे फोटो के अंदर जहाँ पे मैंने मार्क करके रखा हो। तो मैंने इसको क्लोज करके बैक हो जाऊँगा, उसके दूसरा इफेक्ट को हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे दूसरा फोटो आ रहा है, दूसरा फोटो के अंदर इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे मार्क करके रखा मैंने। तो सिंपली मैं फिर से इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा, उसके सिंपली यहाँ पे दो नंबर इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे, फोटो लेयर इफेक्ट पे जाने के लिए थ्री डॉट, उसके बाद कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। मैंने कॉपी कर लिया, उसके सिंपली फिर से मेन प्रोजेक्ट को हम लोग ओपन करके दो नंबर इफेक्ट को पेस्ट करेंगे जहाँ पे दो नंबर फोटो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी ऐसे हैं, तो यहाँ पे एक फोटो है दो नंबर इफेक्ट को देने के लिए, तो फोटो लेबर टच करके इफेक्ट पे जाकर थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। मैंने कर दिया, करने के फिर से मैं देख लूँगा कहाँ पे और दो नंबर फोटो के अंदर इफेक्ट देने के लिए फोटो है, तो यहाँ पे नहीं है बस यहाँ पे है, तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे भी टच करके फोटो लेबर टच करके इफेक्ट पे जाकर थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। और शायद कुछ भी कहाँ पे भी दो नंबर नहीं है, तो सिंपली आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, तीन नंबर इफेक्ट को भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीन नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, तो गाइस यहाँ से आप लोगों को तीन नंबर मिलेगा, कहाँ से ना यहाँ से दो नंबर के बाद से। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को तीन नंबर मिल रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को तीन नंबर इफेक्ट को कॉपी करना पड़ेगा इफेक्ट पर जाके, तो मैं सिंपली जाके तीन नंबर इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे। मैंने कॉपी कर लिया, करने के क्लोज करके बैक हो जाएंगे, उसके बाद सिंपल आप लोग फिर से मेन प्रोजेक्ट को ओपन करके तीन नंबर इफेक्ट को लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने मेन प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया, करने के सिंपल यहाँ से तीन नंबर जहाँ से फ़ोटो है वहाँ से हम लोग इसको लगाएंगे। तो यहाँ से तीन नंबर फ़ोटो है, तो यहाँ से आप लोगों को लगाना पड़ेगा। यहाँ से फोटो लेयर पर जाइए, थ्री डॉट पे जाने के लिए इफेक्ट पे जाके थ्री डॉट पे पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। मैंने फोटो लेयर पे जाऊँगा, थ्री डॉट पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर दूँगा। तो मैंने करके रखा आप लोग दो तीन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो लोग ऐसे करके फोटो के अंदर इफेक्ट को पेस्ट कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके आप लोग कर लेना पड़ेगा, जैसे तो मैंने करके रखा। उसके बाद आप लोग जो काम करना पड़ेगा, जो मैंने मार्क करके रखो मार्क वाला आइकन को आप लोगों को सिंपली प्रेस करके ऐसे करके प्रेस करके ऐसे प्रेस करके ऐसे प्रेस कर इसको सबसे पहले डिलीट कर देना पड़ेगा। ठीक है, डिलीट कर देना जब इफेक्ट को सारे फोटो के अंदर दे दोगे। ठीक है, उसके बाद सिंपली आप लोगों को जो काम अभी करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ ऐड वगैरह नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आप लोगों को एक वीडियो ऐड करना पड़ेगा, सॉरी आप लोगों को एक वीडियो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग पे। तो आप लोग फोटो लेयर सॉरी प्लस आइकन पर टच करिए, इमेज वीडियो पे जाइए, ऑल व्यू पे जाइए, जाने के सिंपली आप लोगों को वीडियो क्लिप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस वीडियो क्लिप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंपली उस वीडियो को आप लोग को डाउनलोड करके ऐड करना पड़ेगा। तो मैं देख लेता हूं कहां पे मेरा वीडियो है गाइस, तो अगर वीडियो मिल गया मुझे तो सिंपल वीडियो को हम लोग ऐड कर लेंगे। मैंने वीडियो को ऐड कर लिया, करने के सिंपल इसको थ्री डॉट पर जाके इसको फिल स्क्रीन कर देंगे, और उसके बाद सिंपल इसका स्पीकर पर जाके इसको स्पीकर को भी म्यूट कर दीजिए, ऑडियो रहेगा तो म्यूट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल इसको कितना पद लेना पड़ेगा आप लोगों को, जितना तक फास्ट बीडमार है, तो यार एक बार टच कर दीजिए बीडमार तक आ जाएगा। उसके बाद सिंपल आप लोग यहाँ पे लेयर के ऊपर टच करिए, उसके सिंपल स्टेपार्ट कट करने के लिए सेकंड में टच कर दीजिए, कट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आप लोग देख सकते हो इसका ब्लैक स्किन नहीं है गया, तो ब्लैक स्किन को हटाने के लिए सिंपली लेयर को बस फिर से टच करेंगे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, उसको लाइटिंग पे जाके इसको स्क्रीन पे सिलेक्ट कर देंगे, उसके इसका ब्लैक स्किन जो है हट जाएगा। उसका देख सकते हो मैंने जो लिरिक लिखा था फर्स्ट एक लाइन वो आ गया, देख सकते हो। उसके सिंपल ऐसे करके सारे फोटो मूवमेंट हो जाएगा इफेक्ट देने के बाद।
उसके बाद आप लोग चैनल लोगो नेम लोगो जो भी है सिंपल प्लस आइकन में टच करिए, इमेज वीडियो ऑल व्यू पे जाके फोन के फोल्डर से कुछ भी आप लोग चैनल लोगो नेम लोगो जो भी है आप लोग बना के रखा हो सिंपली उसको ऐड कर लीजिए। करने का सिंपली उनको जितना तक वीडियो ले रहे हो उतना तक ले लीजिए। लेने का सिंपली आप लोग कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप लोग वीडियो को फोन के अंदर सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए सिंपली एरो में आप लोग टच करिए एक बार, उसके सिंपली आप लोग यहाँ पे आप लोग इस एरो में टच करिए। करने का सिंपली फिर से वाला फोन के क्वालिटी के हिसाब से आप लोग यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करने के लिए टच करिए एरो में, उसके सिंपली जो भी हमने फोन सपोर्ट करेगा वो आप लोग सिलेक्ट कर दीजिए। थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट होने के बाद आप लोगों के पास एक इंटरफेस आ जाएगा सेव बोल के, उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो वीडियो फोन के अंदर गए सेव हो जाएगा। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा ना प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस हो सके तो वीडियो को फ्रेंड लोगों से शेयर भी कर देना। सो गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना, उसको और प्रेस कर देना। सो गाइस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग ऑल।